पर खबरों का सिलसिला। खबर अलीराजपुर के जोबट से है, जहां पर नर्सरी कर्मचारी के द्वारा अपने ही विभाग की पदस्थ कर्मचारी महिला और उसके पति को गाली गलौज करने और मारपीट करने का मामला सामने आया। जोबट के कृषि विभाग के पदस्थ कर्मचारी श्रीमती प्रमिला डुडवे जाति भिलाला, जो कि कृषि विभाग में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर करीब 8 वर्ष से पदस्थ थे तथा दिनांक 16/10 से वरिष्ठ कृषि विभाग अधिकारी के पद पर प्रभारी नियुक्त की गई है। आज दिनांक 20 तारीख को 11 बजे शासकीय सामग्री गेहूं के बीज का ट्रक आया हुआ था और हम ट्रक से सामान उतारकर गोदाम में रखवा रहे थे। उसी वक्त दिनेश शासकीय निवासी जोबट और नरसिंह गनावा दोनों कृषि विभाग जोबट में पदस्थ थे तथा दोनों जो कि शराब पीकर आए और मुझे माँ बहन की गाली गलौज देने लगे और मेरे पति के साथ मारपीट करने लगे। जब इस बात का मैंने विरोध किया तो मुझे भी जान से मारने की धमकी दी और मुझसे कहा कि तुम इस पद को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को मार दूंगा। फिर मैं घटनास्थल से अपने बच्चे और पति को लेकर थाने में शिकायत के लिए गई और दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन मुझ में और मेरे पति में अभी तक भी डर बना हुआ है। राजधानी समाचार के लिए अलीराजपुर से जिला चीफ ब्यूरो जितेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी जोबट में अभी 16 तारीख को मेरे को प्रभार मिला था है। वर्तमान में आर्यो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ और मेरे को गोदाम प्रभारी का भी चार्ज दिया गया है। मैं शासकीय काम कर रही थी, जोबट फार्म से गेहूँ आदान सामग्री आई थी, उसको मैं 9 बजे से सर उतार रही थी, 9 बजे से उतार रही थी। दो राउंड ट्रैक्टर लगाया, उसके बाद में मेरे को थोड़ी 5 मिनट के लिए मैंने तहसील से मेरे को अर्जेंट काम आ गया, तो मैंने मेरे हस्बैंड को 5 मिनट के लिए खड़ा करके और मैं वहाँ गई। उतने में ये श्री दिनेश वास्के और नरसिंह गणावा दो आए, उधर से वास्के सर दारू पी के आया और फिर इनको मारने लगे गाली। ये वास्के वास्के मैं भी वहाँ पे वास्के जी का क्या दायित्व है अपने यहाँ पर? अभी वास्के सर का अभी दायित्व है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पद पर ही है जी। पहले था वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पद पर था, तो उनसे उन्हें चार्ज हटा के मेरे को प्रभारी के रूप में अभी आदेश 16 तारीख को ही दिया गया है जी। उसके बाद में मैं इनको गेहूँ उतरवाने के लिए मतलब ज़्यादा देर तक नहीं, ट्रैक्टर आके खड़ा था तो मैंने बस 5 मिनट को इनको खड़े रहने के लिए बोला था और ट्रैक्टर वाले को भी बोला था कि भैया अभी ट्रैक्टर मत लाओ, रुक जाओ। तो ट्रैक्टर वाले ने बोला कि मैडम मेरा ट्रैक्टर 2 राउंड हो गया है खड़ा है, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो तो मैं उतरवा दूँगी, खड़ा रहने दो करके बोला। तो मैं उतने घड़ी में इनको मैं खड़ा रख के गई और उसके बाद में वास्के सर दारू की दुकान से दारू पी के आया। उतने में गणावा सर घर पे नल से पानी भर रहे थे और उनको बुला के फ़ोन लगा के बुला लिया, ना वो कोई तैयारी में ऑफिस के हिसाब था ना कहीं नहीं था, वो ऐसे सिविल ड्रेस में आ गया, टी शर्ट बनियान में आ गया, गाली गलौज करने लगा और इनको मतलब कॉलर पकड़ के और लाते और झापट और सब मारने लगे कि तुम क्यों आए हो यूँ और तुम कौन होती हो मैडम, मैंने तुमको चार्ज नहीं दिया और तुम कौन होती हो तो तुम यहाँ आके करती हो, अगर उनको ऐसा लगता तो मेरे से सही से आके बात करती। इतने में इतना मारा कुटी करने के बाद में दौड़ के आए और थाने पे FIR दर्ज करा के आके वास्के सर मेरे को भी बोलने लगे कि तुमको मैं दिखाता हूँ, तुमको मैंने अभी चार्ज नहीं दिया है, वरिष्ठ पद पर तुम नहीं हो, मैं आदेश दूंगा तो होगा और DDA सर का कोई आदेश नहीं मानिए, जब तक मैं आदेश करूंगा तब होगा, तुमने मतलब अपने आप को क्या समझ रखा है ऐसा। और पहले भी सर कई बार उन्होंने ऑफिस में दारू पिया, सुबह शाम दारू पी के रहते हैं और गालियाँ देते हैं और रात की 9-10 बजे तो उसको अपन फोन ही नहीं लगा सकता, ऐसा पी के पड़ जाता है कि अपन उसका फोन भी उठा तो 10 शब्द बोलेगा, मैडम यह काम करना है, मैडम वो काम करना है। अगर खुद को भी वरिष्ठ पद पे दिया है तो खुद काम करें ना सर, दूसरों को क्यों ऑर्डर देता है कि यह काम करना वो काम करना, उसका भी कुछ दायित्व तो बनता है सर कि वो वरिष्ठ पद पे है पूरा जोबट ब्लॉक का काम संभाले, तो वो न कंप्यूटर उसको खोल के देखना आता न जानकारी बनाना आता, इस वजह से मैंने भी अपना पद रखा कि कम से कम मैं काम करूँगी सर, ये फोन ही नहीं लगा सकता, ऐसा पी के पड़ जाता है कि अपन उसका फोन भी उठा तो 10 शब्द बोलेगा, मैडम यह काम करना है, मैडम वो काम करना है। अगर खुद को भी वरिष्ठ पद पे दिया है तो खुद काम करें ना सर, दूसरों को क्यों ऑर्डर देता है कि यह काम करना वो काम करना, उसका भी कुछ दायित्व तो बनता है सर कि वो वरिष्ठ पद पे है पूरा जोबट ब्लॉक का काम संभाले, तो वो न कंप्यूटर उसको खोल के देखना आता न जानकारी बनाना आता, इस वजह से मैंने भी अपना पद रखा कि कम से कम मैं काम करूंगी सर, ये शब्द अपने मैंने उप संचालक को बता के ये मैंने बात रखी थी और मैंने वरिष्ठ पद का प्रभार लिया था सर, ये मैंने अपनी इच्छा से मैंने इस पद को लिया था। ये घटना कितनी बजे की है? ये घटना करीबन 11 बजे की है सर।
ग्यारह बजे की? हाँ, 11 बजे की सुबह 9 बजे से मैं मतलब सर वहाँ की वहाँ मैं खड़ी थी, उस टाइम ये आए नहीं, और जैसे ही मेरे हस्बैंड को अकेला देखा कि फोन लगा के बुला लिया और ये आ गए, और उसने मैं इनको मारने लग गया सर, और उस टाइम मैं आ गई दौड़ के इनको बचाने के लिए, तो सर मेरे सामने भी गाली गलौज करने लगे और मेरे को भी बोलने लगे कि तुम्हारा कोई वो हक नहीं बनता है, बोले तुम क्या समझ के रखा है हमको। पहले भी शिकायत करी थी क्या? शिकायत करी थी सर, मैंने यही बोला था सर कि ये काम नहीं करते हैं और हमेशा पीएलई में रहते हैं और हर काम मेरे पे टाल देते हैं सर, और मैंने इनको गोदाम का चार्ज इसलिए नहीं दिया था सर, इनकी रिकवरी 2-3 साल से मतलब जो कृषक अंश राशि जमा करना रहती है वो 2-3 साल से ये कृषक अंश इनका जमा नहीं है, दोनों का जमा नहीं है, तो मैं इनको ऐसा कैसे दायित्व दे दूँ इसका प्रभार का, गोदाम का प्रभार का ये मांग रहे हैं, पर मैंने इसलिए नहीं दिया कि इनकी रिकवरी कम्प्लीट नहीं है तो मैं इनको चार्ज नहीं दूँगा, मैंने यही। और मेरा मुख्यालय जोबट है तो सबसे पहला दायित्व मेरा होता है कि जो मुख्यालय का हेडक्वार्टर का आर्यो है वही गोदाम का चार्ज ले सकता है, और जो नरसिंहगणावा का हेडक्वार्टर है कनवाड़ा सेंटर है तो वो कनवाड़ा से आके कब तक किसानों को गोदाम खोल के बांटेगा और कब खोलेगा और कब बांटेगा, इसलिए मैंने उसको चार्ज नहीं दिया, और मेरा मुख्यालय जोबट है इसलिए मैंने ये चार्ज गोदाम का मैंने लिया था सर। ये सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।